तारिक बिन जियाद उस इंसान का नाम है जिसने अपने चंद सिपाहियों के साथ पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया और स्पेन पर इस्लाम की हुकूमत कायम की, जिस स्पेन पर कभी ईसाइयों की सबसे मजबूत सल्तनत हुआ करती थी, जिस सल्तनत को उस वक्त हरा पाना नामुमकिन समझा जाता था। तारिक बिन जियाद जब अपने सिपाहियों के साथ अंदलुस पहुँचते हैं तो उनके पास सिर्फ 7,000 की फौज होती है और ईसाइयों ने उनसे निपटने के लिए 1,00,000 की फौज जमा कर ली थी। तो तारिक बिन जियाद मूसा बिन नसीर के पास एक कासिद रवाना करते हैं और कहते हैं कि हमें और मदद की ज़रूरत है। तो मूसा बिन नसीर ने 5,000 की फौज और रवाना कर दी। तारिक बिन जियाद के पास अब 12,000 की फौज थी। तारिक बिन जियाद अपने कश्तियों को आग लगा देते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं, हम यहाँ पे इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे या फिर यहीं पे हमारी कब्र बनेगी। जब जंग का वक्त आता है तो तारिक बिन जियाद और उनके सिपाही पूरी ताकत से हमला करते हैं और 1,00,000 की फौज पूरी बिखर जाती है और तारिक बिन जियाद 1,00,000 की फौज को शिकस्त दे देते हैं और वहाँ पे इस्लाम का परचम बुलंद होता है।